हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके परिवार वाले के लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है, जब भी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो बंदा बात करने के सिचुएशन में नहीं है तो ऐसे में उसका मोबाइल चेक किया जाता है ताकि हम उसके फैमिली मेम्बर्स को कॉन्टैक्ट कर सकें। लेकिन आज के डेट में हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्क्रीन लॉक लगाता है, तो इससे हम उसके फ़ोन को एक्सेस कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम उसके फैमिली को कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि किस नंबर पर आपको कॉल करना है ऐसे सिचुएशन में, ये सारा कुछ आप बिना फ़ोन को अनलॉक किए कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट ट्रिक क्या है दोस्तों, इसी के बारे में आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में, आप पहले सेटिंग में चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग ओपन कर लिया। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज़र्स, तो ये यूज़र ऑप्शन में आप जाइए। हो सकता है आपके मोबाइल में यूज़र ऑप्शन ना हो के इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन बोल के कोई ऑप्शन होगा, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र्स के अंदर मुझे ये ऑप्शन मिल गया इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन। इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल, यहाँ पे इन्फो बोल के फर्स्ट टैब है और दूसरा टैब है कॉन्टैक्ट। अभी इन्फो में आपको अपना डिटेल जाना है, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा नीचे आपका एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल बैंगलोर लिखा है, लेकिन आप अपना कंप्लीट एड्रेस चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हैं, आपको क्या किसी चीज़ से एलर्जी है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी मेडिसिन हो सकता है या फिर कोई फूड हो सकता है। यहाँ पे मेडिसिन का भी एक ऑप्शन है, अगर आप फिलहाल कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी मेडिसिन, या फिर डायबिटिक पेशेंट है या अस्थमा पेशेंट है, तो ऐसे में वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। और नीचे यहाँ पे ऑर्गन डॉक्टर, अगर कोई बहुत ही अक्यूट प्रॉब्लम है तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो फाइनल जो यहाँ पे मेडिकल नोट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसा जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आप डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा टाइप है वो है कॉन्टैक्ट्स का। तो यहाँ कॉन्टैक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो नंबर ऐड किया, ऐसे एग्जांपल ये ऐड किया दोस्तों, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ वीडियो के लिए मैंने ऐसे ही दो ऐड किया ताकि मैं आपको डेमो करके दिखा सकूं। तो यहाँ पे मैंने दो कॉन्टैक्ट ऐड किया, आप चाहे तो एक और एक कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं सिंपली ये ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके। तो डिटेल्स यहाँ पे मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों, अब होगा क्या, जैसे कि मैं अपने फ़ोन का भी लॉक कर देता हूँ, अब लॉक कर दिया, और अभी मैं जैसे अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे जब मैं इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पे पैटर्न पूछ रहा है। तो अब यहाँ अभी सामने वाले बंदे को तो पता नहीं है कि पैटर्न क्या है, तो नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा इमरजेंसी का, तो उस इमरजेंसी, तो यहाँ पे मैं इमरजेंसी को क्लिक कर देता हूँ। तो इमरजेंसी को क्लिक करते आप देखेंगे डायलर पैड ओपन हो चुका है और ऊपर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन बोल के ऑप्शन है, तो उसे क्लिक करना है। उसे आप दो बार अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ओपन होगा तो जो भी डिटेल्स आपने डाले वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, एड्रेस, मेरा ब्लड ग्रुप, एलर्जी, मेडिसिन, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और जो दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट का, वो भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में देखेंगे वो दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है। अब मैं सिंपली यहाँ से कोई भी कॉल कर सकता है दोस्तों, जैसे मैंने ये उठाया और इसको कॉल किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आराम से, बहुत ही आराम से कॉल जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों किसी को भी आपके फ़ोन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना फ़ोन को अनलॉक किए, बिना पैटर्न को जाने वो बहुत ही आराम से जान पाएगा कि आपकी इमरजेंसी डिटेल्स क्या है, आपका मेडिकल स्टेट क्या है और आप किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा दोस्तों कि आप इन डिटेल्स को अपने फ़ोन पे सेव करके लगाइए और इस इन्फॉर्मेशन को भी आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।